हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू द हिंदी क्लास। सभी बच्चे अपनी हिंदी की पुस्तक व्याकरण भारती, रफ नोटबुक और पेंसिल्स लेकर बैठ जाएं और ध्यानपूर्वक आज का सेशन अटेंड करें। तो चलिए बच्चों, पृष्ठ 57 लेसन नंबर 9 शब्द भंडार निकाल लीजिए। बच्चों, आज हम पर्यायवाची शब्द की बैक एक्सरसाइजेस डिस्कस करेंगे। बेटा, पिछले सेशन में आपने जाना था कि समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं, जैसे घर, सदन, भवन, गृह। आगे देखें, फूल, कुसुम, सुमन, पुष्प। तो चलिए इन्हीं से संबंधित कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं। तो आ जाइए अपनी पुस्तक के पृष्ठ 57 पर। एक्सरसाइज नंबर 1 देखिए बेटा, दिए गए शब्दों के पर्यायवाची के आगे टिक लगाओ। बेटा, यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो पर्यायवाची को पढ़ने के बाद लगा लीजिए टिक का निशान सही उत्तर पर। पहला पर्यायवाची सॉल्व करने का ढंग मैं आपको बता दूंगी, अन्य आप खुद करेंगे। नंबर 1 इज माता। तो बच्चों, माता का जनक तो हो ही नहीं सकता, लोग भी नहीं हो सकता, तो बचा क्या? जननी। अब सब बच्चे जननी के आगे वाले बॉक्स में टिक लगाएं। बच्चों, अगले पर्यायवाची में आपकी सुविधा के लिए पढ़ देती हूँ ताकि आप आसानी से कर सकें। रात्रि, आगे देखें शिक्षक, आगे देखें बेटा पानी। एक्सरसाइज नंबर 2, कोष्ठक में, कोष्ठक बेटा यानी ब्रैकेट, कोष्ठक में दिए गए शब्दों के पर्यायवाची लिखकर वाक्य पूरे करो। बच्चों, यहाँ पर आपको जो शब्द दिए गए हैं उनके पर्यायवाची आपने खाली स्थान में भरने हैं। आइए रीड करें। नंबर 1, आकाश में डैश उड़ रहे हैं। तो बेटा, आपको यहाँ ब्रैकेट में दिया गया है पंछी। तो बच्चों, पंछी का आप पर्यायवाची लिखकर वाक्य पूरा करेंगे, जैसे आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। बेटा, बाकी के मैं आपको पढ़ देती हूँ, आप उन्हें खुद कंप्लीट करेंगे। डैश के साथ तारे भी चमक रहे हैं। नेक्स्ट इज डैश फलों से लदा हुआ है। नेक्स्ट इज डैश जलने से अंधेरा दूर हो गया। आगे देखें, आज सुबह से ठंडी डैश चल रही है। एक्सरसाइज नंबर 3, रंगीन शब्दों के पर्यायवाची लिखकर वाक्य लिखो। तो बेटा, रंगीन यानी कलर्ड। नंबर 1 इज आसमान में काले बादल गरज रहे हैं। बच्चों, यहाँ पर 2 रंगीन शब्द दिए गए हैं, आसमान और बादल। तो आसमान का पर्यायवाची यहाँ आएगा आकाश और बादल का घन। कंप्लीट वाक्य सुने, आकाश में काले घन गरज रहे हैं। आगे देखें, बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। नेक्स्ट इज भोर होते ही पंछी चहचहाने लगे। आगे देखें, आज रात्रि में वर्षा होने की संभावना है। आगे देखें बेटा, वन के समीप एक सरोवर है। बच्चों, बाकी के मैंने आपकी सुविधा के लिए पढ़ दिए हैं ताकि आप आसानी से कर सकें। एक्सरसाइज नंबर 4, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? बच्चों, हमने पिछली कक्षा में पर्यायवाची शब्दों के बारे में विस्तार से जाना था, तो आपने वहीं से इस प्रश्न का उत्तर सॉल्व करना है। आशा है कि आपको इस पाठ की अच्छे से समझ आ गई होगी। अब आप इसकी एक्सरसाइजेस को ध्यान से करेंगे। बाय, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।